So now we will solve one example, that is for the anaerobic pond. Design an anaerobic pond to treat a flow of 1600 meter cube per day with a BOD of 800 milligram per liter. So सबसे पहले इसमें हम लोग वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे, और वॉल्यूम के लिए हमारे पास डिटेंशन टाइम का फार्मूला दैट इज़ वी डिवाइडेड बाई क्यू. यहाँ पे डिटेंशन टाइम को सपोज करेंगे दैट इज़ 5 days. सो व्हेन आई सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर वॉल्यूम द वैल्यू विल बी 8000 मीटर क्यूब. उसके बाद हम लोगों ने एक डिज़ाइन इक्वेशन पढ़ी है कि वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट नॉर्मली हमारे पास आता है टोटल बीओडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सो टोटल बीओडी आपके पास कैलकुलेट होगी बीओडी वैल्यू दैट इज़ इन द इन्फ्लुएंट मल्टीप्लाई द फ्लो. द वैल्यू विल बी 1280000 ग्राम पर डे, और जब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लैम्डा वी दैट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग रेट, और ये वैल्यू आएगी 160 ग्राम पर मीटर क्यूब इन अ डे. देन डेप्थ को अज्यूम करते हुए मिड डेप्थ एरिया फाइंड आउट हम लोग करेंगे दैट विल बी 2000 मीटर स्क्वायर. उसके बाद हम लोग मिड डेप्थ डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे. लेट लेंथ टू विड्थ रेशियो इज इक्वल टू 1.5:1. फिर यहाँ से आपके पास विड्थ आ जाएगी, और सिमिलरली आपके पास लेंथ आ जाएगी. अब हम लोगों ने एक्चुअली में मिड डेप्थ डायमेंशन फाइंड आउट करनी है. सो मिड डेप्थ डायमेंशन विल बी बाय कंसीडरिंग द साइड स्लोप. साइड स्लोप नॉर्मली हमारे पास होती है 1 वर्टिकल और 3 हॉरिजेंटल. अब इसका आप लोगों ने टॉप व्यू देखना है. टॉप व्यू में आपको ये पोर्शन इस तरीके से नज़र आ रहा होगा. सो मिड डेप्थ मीन्स 2 मीटर आपकी मिड डेप्थ से अबव और 2 मीटर मिड डेप्थ से बिलो. सो ये बेसिकली 4 मीटर का रीजन बनेगा, और 0.5 मीटर ये आपके पास फ्री बोर्ड है. सो जो 1 वर्टिकल है वो आपके पास लेंथ होगी, प्लस अब यहाँ पे ये 2 साइड पे स्लोप मूव करी है, एक इस साइड पे और एक आपके पास इस साइड पे, ठीक है. सो दिस विल बी 2 + 0.5 इज़ इक्वल टू 2.5 × 3, बेसिकली 3 हॉरिजेंटल था. सो 3 × ये 2 साइड पे, ठीक है. सो 73 + 15 इज़ इक्वल टू 88 मीटर. सिमिलरली जो बॉटम डायमेंशन होगी दैट विल बी ओनली 2. अब यहाँ पे फ्री बोर्ड सिंस ऊपर की तरफ होता है, हमेशा नीचे की तरफ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 2 की वैल्यू आएगी, 2 × 3, क्योंकि 3 हॉरिजेंटल था. और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 73 − 12 इज इक्वल टू 61. सो दिस वॉज द डिज़ाइन प्रॉब्लम फॉर द एनारोबिक पॉन्ड. आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा. जो फर्दर आपके आंसर क्वेश्चन होंगे वो हम लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़ क्लास.